आप सब जानते होंगे कि हमारे वर्ड्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं, वही वर्ड्स यूनिवर्स सुनता है एंड हमें उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारी विशेस, हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। सो वर्ड्स को चूज़ करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड सही वर्ड्स को चूज़ करना तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यूजुअली हम दिन में बहुत बार बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, खुद से बातें करते हैं, गॉड से बातें करते हैं, लोगों से बातें करते हैं एंड इस दौरान जो वर्ड्स है वो हमारा एक बहुत ही पावरफुल एसेट है एंड उस एसेट को वाइजली चूज़ करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये वीडियो आज उन वर्ड्स के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल। आई होप यू ऑल आर गुड, फाइन एंड हेल्दी। सो टुडे आई एम हियर विद अ वेरी यूनिक टॉपिक एंड आई नो दिस टॉपिक इज सुपर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट switch words and how we can switch our energy by using those switch words or magical words or healing words. So jaldi se ready ho jaiye and is video ko pura dekhe so that aap switch words ko samajh paye and unko kaise use karna hai apne situations ko aur apni energy ko change karne ke liye, uske bare mein main aaj aapko batane wali hu. So before starting my video, I want to tell you all that if you are new to my channel and अगर आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe button को press करें and हमारी super 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 special community का part बने, Divine Soul की tribe बने। So what are switch words? Switch words are the magical words or healing words, you know, which have power to change the energy from one dimension to the other dimension and it can change the situations also. Basically, you know, हमारी जो situations हैं, हमारे जो issues हैं वो इसलिए आते हैं हमारी life में because energy balance नहीं होती या हम attract कर लेते हैं किसी और की energy. So many reasons are there but basically reason जो होता है वो energy ही होता है. So उस energy को जब हम change कर लेते हैं तो हमारी जो situations हैं वो change हो जाती हैं. So switch words जो हैं वो magical words उनको कहते हैं, हीलिंग वर्ड्स उनको कहते हैं, अफर्मेशंस भी कहते हैं और समहाउ अफर्मेशंस जो होती हैं उनको स्विच वर्ड्स रिप्लेस भी करते हैं। सो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एनर्जी होती है, जिनमें पावर होती है एंड जिनमें कैपेबिलिटी होती है फ्रिक्वेंसीज को, एनर्जीज को चेंज करने की। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। तो स्विच वर्ड्स आर द सीड मंत्रास, जैसे कि हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में बहुत सारे मंत्रास हैं, फॉर एग्जांपल गणेश मंत्रा, गायत्री मंत्रा। सो सिमिलरली इंग्लिश में दीज आर सीड मंत्रास आल्सो। सो इन मंत्रास में पावर है, इन मंत्रास में एनर्जी को चेंज करने की कैपेबिलिटी है। एज वी ऑल नो दैट पर्सनली, प्रोफेशनली बहुत सारी हमारी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं दैट वी वॉन्ट टू अकम्प्लिश, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीजंस हम नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को हम कॉन्शियस एक्शंस के साथ नहीं अचीव कर सकते। We need to activate our subconscious mind to manifest those desires, those dreams. And उन सब चीज़ों में switch mantras और switch codes जो हैं वो help करते हैं। Now, how to use them wisely?
So if you are starter, then what you can do is आप जो स्विच वर्ड्स हैं आप एक स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हो, आप दो तीन स्विच वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो साइमल्टेनियसली। एंड अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जर्नल में लिख सकते हो, यू नो चैंट कर सकते हो पूरा दिन, या फिर आप मेडिटेट कर सकते हो स्विच वर्ड्स के साथ, विस्पर कर सकते हो, यू नो स्विच वर्ड्स को बार बार रेड कर सकते हो, तो पढ़ सकते हो आप। सो ये बिगनिंग में आप इस तरीके से स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्विच वर्ड्स को यूज़ करने का, आपको जितना टाइम मिले आप उतनी देर चैंट करो, यू नो लिखो, या फिर आप अगर एक के साथ दो तीन और स्विच वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही यूज़ करो जिसके साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, जिसकी एनर्जी के साथ, वाइब के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो। ये नहीं कोई और दूसरा स्विच वर्ड यूज़ कर रहा है तो आप भी वही स्विच वर्ड यूज़ करो। आप अपनी जो एनर्जी अगर अलाइन यू नो फील हो रही है उस स्विच वर्ड के साथ, तभी आप उस स्विच वर्ड को यूज़ करो। सो नाउ एट द एंड आई एम शेयरिंग 3 मास्टर स्विच वर्ड्स विद यू ऑल। One for wealth and finances के लिए, second for your love life and relationships के लिए, and the third is for abundance, prosperity and good luck. So use them and chant them, read them, you know, write in your journal, you know, जो भी आपको resonant लगे वो आप use करें and share feedbacks in the comment section. ग्रेटफुल कि आपने ये पूरी वीडियो देखी है एंड आप अब स्विच वर्ड्स को समझ पा रहे होंगे एंड उनको अच्छे से यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। सो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।